हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं ई कल्याण के पेज पे। तो आप लोग को पता ही है, ई कल्याण का पैसा जो है सबका मिलना शुरू हो गया है, लेकिन इसी बीच बहुत लोगों का पैसा अटक गया है। ठीक है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट वालों का क्या हुआ है कि ए अप्रूव होकर रुक गया है, बहुत लोगों का क्या क्या हुआ है कि DLC में ही अभी तक अटका हुआ है। तो इन लोगों का कब तक पैसा आएगा और किन किन जिला का कब तक पैसा आने वाला है और किन किन जिला का क्यों नहीं आ रहा है, सारा हम लोग डिटेल्स इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, साथ साथ किन किन लोगों का क्या क्या डाउट आया है, सारा डाउट्स भी हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे लेजेंड्स ऑफ जेवियर। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डेट में, तो आप लोग को पता ही है कोई चेंज अब वो लोग करने वाला है नहीं, क्योंकि पैसा मिलना शुरू हो गया। तो डेट्स के बारे में हम क्या ही बताएं बार बार। तो आइए हम लोग सीधे डाउट्स में चलते हैं। ठीक है, तो डाउट्स में आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला डाउट आया हुआ है कि DNO में कितना बार रिजेक्ट करता है। तो भाई DNO में कितना बार रिजेक्ट करता है नेहा कुमार, ये फिक्स नहीं है टाइम। ठीक है, अगर आपका पहली बार में डॉक्यूमेंट अगर गलती अपलोड किए हैं आप, तो वो लोग पहली बार में रिजेक्ट कर दिया। मान लीजिए आपका इनकम सर्टिफिकेट गलत आपने अपलोड किया था, उसको रिजेक्ट कर देगा। अब अगली बार आप क्या करते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट तो सही डालते हैं, लेकिन तब तक DNO वाला ये देख लेता है कि आपका जो है रेसिडेंस सर्टिफिकेट में भी गलती है, तो वो लोग दूसरा बार फिर से रिजेक्ट कर देंगे। या फिर अगर आप इनकम सर्टिफिकेट दोबारा से गलती वाला ही अपलोड कर दिए, तो उसको भी दोबारा रिजेक्ट कर देंगे। यानी कि आप जब तक गलत अपलोड डॉक्यूमेंट करते रहेंगे, तब तक वो लोग रिजेक्ट करते रहेंगे। ठीक है, जब तक आप सही डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, तब तक वो लोग रिजेक्ट करेगा। एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार आप, जब तक आप सही नहीं देंगे, तब तक वो लोग अप्रूव करेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको अगर रिजेक्ट नहीं करवाने, तो आप पहली बार में ही सही डॉक्यूमेंट दें। अगर पहली बार में गलती से कुछ और अपलोड हो गया है, तो रिसबमिटेड का ऑप्शन आपको मिल रहा है, उसमें आप लोग सही डॉक्यूमेंट देंगे। ठीक है, अगला डाउट देख सकते हैं हम लोग, सरला बिरला इंस्टीट्यूट वाले का OBC में पैसा नहीं मिला है। भाई देखो, ये जो बहुत लोग बोल रहे हैं ना कि बोकारो में नहीं मिला है, रांची में नहीं मिला है, तो बता दे भाई कि ये पर्सनल एक दो लड़का को ऐसा नहीं मिला है, ऐसा नहीं बोल सकते उस डिस्ट्रिक्ट वाले में किसी को नहीं मिला है। ठीक है, तो आपने लेट से फॉर्म सबमिट किया होगा, इसीलिए आपको लेट से थोड़ा मिलेगा। और बाकी देख लेते हैं कि गुमला का पैसा कब तक आएगा। 1 महीने से ज़्यादा हो गया ए अप्रूव हुए, भाई 1 से 1.5 महीने सबका लग रहा है ए अप्रूव होने के बाद। ठीक है, तो थोड़ा दिन और वेट कर लो, अगर 2 महीने जाता है तो हम लोग बात करेंगे उस विषय में। और आप लोग थोड़ा ई कल्याण ऑफिस जाओ, आप लोग ई कल्याण ऑफिस जाते नहीं है तो इसीलिए वो लोग सुन नहीं रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा ऑफिस भी घूमो। दुमका जेवियर्स में कब तक आएगा ए अप्रूव हो गया। भाई दुमका जेवियर्स कॉलेज के हिसाब से पैसा नहीं मिलता है। भाई आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो, आपका कहाँ का रेसिडेंस है, आपका कहाँ का इनकम सर्टिफिकेट है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं उस डिस्ट्रिक्ट वाले को अगर पैसा मिलना शुरू हो गया, तो आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप दुमका से हैं, तो दुमका वाले को पैसा मिलना शुरू हो गया। अगर आपका ए अप्रूव इधर 10-20 दिन पहले हुआ है, तो आपको और 10 दिन वेट करने का जरूरत है। ठीक है, अविनाश कुमार, रिसबमिटेड का आएगा कि नहीं। सबका आएगा भाई, तभी तो रिसबमिटेड का ऑप्शन दिया। अगर नहीं देना रहता तो रिजेक्ट करके छोड़ देता ना। अगर रिसबमिटेड का ऑप्शन दिया, तो इसका मतलब उन लोगों को भी पैसा आएगा। ठीक है, रामगढ़ सर अभी तक नहीं आया है, रामगढ़ वाले का अभी तक नहीं आया। भाई रामगढ़ और हजारीबाग वाले का थोड़ा लेट लगेगा, हम बताए थे ना, जब तक वहाँ उधर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आता है कि हाँ DC ऑडिट कर दिया है, अब जाके पैसा मिलेगा, तब तक क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है भाई, इस सिंहभूम का कब तक आएगा, 2 महीने से ये अपलोड है। इस सिंहभूम का आने लगा भाई, तुम्हारा नहीं आया है तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार ई कल्याण ऑफिस जाओ, उनसे बात करो। ठीक है, इस सिंहभूम वेस्ट सिंहभूम दोनों का आ गया है। ठीक है, गिरिडीह 1 महीना हो गया है एक महीना हो गया ये अप्रूव हुए, 1510 बोनाफाइड है, कितना आएगा भाई। अगर तुम्हारा 1510 रुपये का बोनाफाइड है, तो आप 3000 तक मान सकते हो आपको मिलेगा, 3 से 4 हजार। ठीक है सर, UG के लिए एप्लीकेशन का डेट 21 हो गया है क्या। हाँ भाई, बतला दे, जो जो लोग UG में एडमिशन लेना चाह रहे हैं संजीवियर्स कॉलेज रांची में, तो डेट एक्सटेंड होके 21 तक हो गया। ठीक है, 21 जुलाई तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। हम दुमका से हैं और मेरा ये अप्रूव हुए 1.5 महीने हो गया, पर अभी तक नहीं आया है। भाई तुम्हारा कैसे नहीं आया, 1.5 महीने हो गया। एक बार ई कल्याण ऑफिस जाओ, दुमका का जो समरणालय है ना, वहाँ पे जाएगा तो उन लोग से पूछना कि मेरा, देख लीजिए स्क्रीनशॉट दिखाओ कि मेरा ए अप्रूव हो गया, अभी तक पैसा क्यों नहीं आया। ठीक है, वो लोग बताएंगे आपका रीज़न, क्योंकि दुमका में बहुत लोगों को पैसा मिल गया। आप लोग को स्क्रीनशॉट पहले भी दिखाए हुए हैं, दुमका में 65,000 60,000 ऐसे करके मिला है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं अभी दिखाने, तो हम अभी भी दिखा सकते हैं। नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा हमको, क्योंकि दुमका वाले इतना सारा कमेंट आता है ना, कि नीचे स्क्रॉल करने में थोड़ा पहाड़ लगता है। बाकी पैसा सबका आ चुका है, दुमका वाला का भी आया हुआ है, ये लड़का का 75,000 कुछ आया था दुमका का। ठीक है, हम पहले वीडियो में बताए हुए हैं, लेकिन अगर आप नहीं देखे हैं, तो आपको हम अभी एक बार दिखा देते हैं। दुमका वालों ध्यान से देखना। ठीक है, 2000 years later ये देख लो, अमित महतो का रिसीव्ड 65,000 रिसीव्ड टुडे दुमका, देख रहे हो, 4 दिन पहले इसको मिला है। तो भाई सबको मिल रहा है। ठीक है, तो कोई डिस्ट्रिक्ट का हो तुम लोग, अगर दुमका से हो, दुमका वाले अगर डाउट पूछ रहे हैं कि कैसे बोल सकते हैं आप मिल रहा है, तो हम ऐसे बोल सकते भाई, देख सकते, मेरे पास प्रूफ है।
इसी बेसिस पे ना हम बोलते हैं, आप ही लोग ना कमेंट करते हैं, आपको अगर मिलेगा तभी ना आप बोलेंगे कि हमको मिला है। ठीक है, और देख लेते हैं किसी का क्या क्या डाउट है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि बाकी लोग को भी थोड़ा हेल्प मिले। ठीक है, लोग जान सके लेजेंड्स ऑफ जेवियर के बारे में, उन लोगों का पैसा मिलेगा। और देख लेते हैं सर, गुमला वालों का कब तक आएगा ये अप्रूव हो गया? भाई कितना दिन पहले ये अप्रूव हुआ है, कम से कम 1.5 महीना होने दो, समझा? ये अप्रूव तब जाके पैसा मिलेगा, थोड़ा वेट करो, थोड़ा वेट करो तब जाके पैसा मिलेगा। ठीक है दोस्त, रोहित साहू, कॉलेज नेम टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी कलकत्ता वेस्ट बंगाल, 21-22 का सेशन है। अप्लीकेंट स्टेटस अप्रूव्ड बाय DNO, मेरा प्रीवियस ईयर का पेमेंट अभी तक नहीं आया, हेल्प मी ब्रो। भाई अगर प्रीवियस ईयर का नहीं आया, अभी अप्रूव्ड बाय तुम्हारा DNO में ही अटका हुआ है, तो आप लोग ई कल्याण ऑफिस क्यों नहीं जाते हो? जो आप लोग आते हो अपने घर, अभी तो वेस्ट बंगाल में हो, जब झारखंड आते हो, झारखंड में जहाँ का आपका इनकम सर्टिफिकेट है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का समाहरणालय में जाइए, उनको बोलिए कि भाई देखिए हम यहाँ से ये कर रहे हैं, मेरा इतना इतना फी है, हमको अगर पैसा नहीं मिलेगा तो फर्दर स्टडीज हम कैसे कर पाएंगे, हमको प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन लोग आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि पिछले साल वाले का भाई DNO में ही अटका हुआ, तो तुमको वहाँ बहुत प्रोसेस लग जाएगा, लेकिन पैसा तो मिल जाना चाहिए, अगर आप जाएंगे तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, आप लोग ई कल्याण ऑफिस भी घूमिए थोड़ा। सर आधार कोई भी बैंक अकाउंट से होगा तो चलेगा? हाँ भाई, कोई भी बैंक अकाउंट से, SBI का होना जरूरी थोड़ी है, या फिर पंजाब नेशनल बैंक का होना जरूरी थोड़ी है, जिसमें आपका ग्रामीण बैंक का भी होगा तो ग्रामीण बैंक में भी पैसा आ जाएगा। भाई जिसका रिजेक्टेड हो गया है उसको क्या करना पड़ेगा? भाई जिसका रिजेक्ट हो गया है उनको रिसबमिट करना पड़ेगा, और रिसबमिट आप कैसे करेंगे, तो आपका जिस कारण से रिजेक्ट हुआ है, जैसे मान लीजिए कि आपका बोनाफाइड गलत था, या फिर मान लीजिए आपका इनकम सर्टिफिकेट गलत था, तो जो डॉक्यूमेंट आपका गलत था वो डॉक्यूमेंट आपको सही से लेना होगा। यानी कि अगर आपका बोनाफाइड में आपने मतलब गलत नाम नंबर लिख दिया है, उसकी वजह से रिजेक्ट हो सकता है, या फिर इनकम सर्टिफिकेट आपका पुराना होगा, या फिर इनकम सर्टिफिकेट आपने क्या किया, फादर्स नेम गलती होगा, तो उसको फिर से सही वाला बनवाना है। ठीक है, अगर आपका सही वाला बना था, गलत अपलोड कर दिया, तो सही वाला लेना है, सही वाले डॉक्यूमेंट को फिर से री अपलोड करवाना है आपको ई कल्याण ऑफिस में जाके। ठीक है, कि रिसबमिटेड का ऑप्शन स्टूडेंट के पास खुद से नहीं मिलता है, अगर आपको मिला है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप ई कल्याण ऑफिस जाइए, वहाँ से करवा लीजिए, नहीं तो आप कॉलेज में भी स्कॉलरशिप होता है, कॉलेज का स्कॉलरशिप जाएंगे ऑफिस, वहाँ भी डॉक्यूमेंट देंगे तो वो लोग वहाँ से री अपलोड कर देंगे। जब री अपलोड हो जाएगा तो वो रिसबमिटेड बाई स्टूडेंट में चला जाएगा, आपका फॉर्म दिखने लगेगा कि रिसबमिट हो गया स्टूडेंट की तरफ से। जब वो रिसबमिट हो जाएगा तो उसके बाद फिर 1 से 1.5 महीना का टाइम लगेगा, तब जाके आपका वो अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, जिसका रिजेक्ट हुआ है उसके लिए बता रहे हैं। धनबाद का कब आएगा भैया? धनबाद का भी आने लगा है दोस्त, धनबाद का थोड़ा वेट करो, 1-1.5 महीना का वेट करो, समझा? जिसका भी ये अप्रूव होकर लटका हुआ है थोड़ा टाइम लगेगा। भाई मेरा 2 मंथ हो गया फाइनल अप्रूव, कब तक आएगा पैसा? कौन सा जिला है भैया? अंकित कुमार कौन सा जिला है तुम्हारा? रामगढ़ और हजारीबाग वाले का हम क्या बोले भाई, तुम लोग ई कल्याण ऑफिस जाते ही नहीं हो, थोड़ा ऑफिस भी घूमो, पता करो कि DC क्यों नहीं ऑडिट कर रहा है, दो डिस्ट्रिक्ट वाले का एकदम फंसा हुआ है पैसा। ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम वाले का भी दिक्कत था, तो वो लोग गया ऑफिस, बात किया तो देखो उन लोग का निकल गया, उन लोग को मिलने लगा पैसा। DLC अप्रूव्ड सिंस लास्ट 2 मंथ, स्टिल फर्दर प्रोसेस इज नॉट डन, सरला बिरला यूनिवर्सिटी। DLC अप्रूव्ड सिंस लास्ट मंथ 2 मंथ, एंड यू हैव टू गो टू ई कल्याण ऑफिस ब्रदर, ओनली देन एनी फर्दर प्रोसेस विल बी टेकन, बिकॉज योर फॉर्म हैज समथिंग इशू, बिकॉज योर फॉर्म मे बी हैविंग सम इशूज। ठीक है भाई, क्योंकि तुम्हारा फॉर्म में कोई दिक्कत होगा, ठीक है, तभी वो लोग नहीं बढ़ा रहे। एक बार ई कल्याण ऑफिस जाइए, उनको आप स्क्रीनशॉट दिखाइए, अपना एप्लीकेशन नंबर दिखाइए, तो वो लोग चेक करके आपको बतला पाएंगे। ठीक है, 2 मंथ से जिसका भी ज़्यादा हो गया है वो लोग एक बार ई कल्याण ऑफिस जाएँ। ठीक है, जितना भी दूर हो एक बार जाना पड़ेगा भाई, आपको 25,000 30,000 50,000 रुपये पैसा मिल रहा है, तो आप लोग को एक दो बार जाने में क्या दिक्कत है ई कल्याण ऑफिस। धनबाद 2021-22 का भी नहीं आया है, और 2022-23 का भी नहीं आया। ऑफिस जाता हूँ तो बोलता है गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है, फंड होगा तो सेंड कर देंगे, ऐसा बोल के बात को टाल देता है। 21-22 का भी किसी का नहीं आया भाई, बस किया तुम्हारा नहीं आया है। 21-22 में भी ए अप्रूव हो गया था, 22-23 में भी ए अप्रूव हो गया है, फंड खत्म हो गया, ऐसे थोड़ी है भाई, गवर्नमेंट के पास फंड नहीं होगा, बाकी लोगों को कैसे मिल रहा है? अगर वहाँ नहीं हो रहा है तो भाई एक बार आप लोग रांची का जो ई कल्याण ऑफिस है ना, वहाँ अगर आ सकते हो तो वहाँ पे आके बात करो। ठीक है, मेन जो ई कल्याण का ऑफिस है रांची में ही है। ईस्ट सिंहभूम में नहीं आया? आया है दोस्त, ईस्ट सिंहभूम में नहीं आया, हम जब बता रहे हैं कि आ गया है तो आ जाएगा आप लोग का। ठीक है, धीरे धीरे आएगा, ईस्ट सिंहभूम वाले आप लेट से अपलोड किए होंगे, थोड़ा लेट से आएगा। दुमका का आप कैसे बोल सकते हैं आ गया है, मेरा 2 महीना से अप्रूव्ड होकर बैंक आधार से लिंक है, आई एम फ्रॉम दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज। भाई मैं भी, कौन से ईयर से हो तुम?
भाई देखो, हम अभी प्रूफ दिए ना दुमका वाला का कि पैसा आया है। हम क्यों बोल रहे हैं? हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो, तुम ही लोग कमेंट करके बताते हो कि मेरा यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट से और इतना पैसा आ गया, ठीक है? तो बाकी लोग का आ रहा है तभी हम बोल पा रहे हैं। अगर आपका नहीं आया है तो एक बार आप दुमका में, तो नज़दीक में ही है कल्याण ऑफिस, समरणालय जाइए, वहाँ से चेक करा लीजिए। गढ़वा से है सर, मेरा 2 मंथ पहले अप्रूव हो गया लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया है। गढ़वा वाला किसी का नहीं आया दोस्त, गढ़वा वाले को भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, गढ़वा और वो वाले को भी, हजारीबाग वाले को भी। GGSETC बोकारो का कब आएगा पैसा? लेट मी नो ब्रदर। कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो भाई तुम? बोकारो वाले? अगर बोकारो से हो तो बोकारो वाले को पैसा आना शुरू हो गया, थोड़ा वेट करो। हजारीबाग सिटी में नहीं आया अभी तक पैसा, नहीं आया भाई। हजारीबाग वाले को अभी मिलेगा भी नहीं कुछ दिन तक, उन लोग का DC अटका के रखा हुआ है, ठीक है? जो सब्जेक्ट का अप्लाई किए हैं वो स्कोर डाले कि सारे सारे सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स डालना है, जिसको भी CUET के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है? 3 मंथ हो गया है हजारीबाग, हजारीबाग वाले थोड़ा और वेट। भाई तुम लोग जाते नहीं हो कल्याण ऑफिस, जाओगे तभी ना। देखो प्रोटेस्ट कर रहा है कुछ कुछ लोग, जिन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, तो कम से कम आप लोग कल्याण ऑफिस तो जा ही सकते हो, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते तो, ठीक है? कौन कौन सा CUET स्कोर अपलोड करना है? देख रहे हो भाई, BCOM के लिए इंग्लिश प्लस अकाउंट प्लस इकोनॉमिक्स प्लस GT, ये सारा स्कोर अपलोड करना है भाई। भाई रांची का कब तक मिलेगा? रांची का मिल गया भाई, सबको मिल गया है। आपका नहीं मिला है, एक दो लड़का को नहीं मिला है, जो लोग लेट से फॉर्म सबमिट किए हैं या फिर रिसबमिट किए हैं, ठीक है? साहिबगंज का भी आने लग गया पैसा, साहिबगंज का भी सबको मिल रहा है। स्टील DNO अप्रूव्ड आगे बढ़ ही नहीं रहा। DNO अप्रूव्ड कितना दिन पहले से हुआ है? 1-1.5 महीना से ज़्यादा हो गया है तो आपको परेशान होने का दिक्कत है, लेकिन अगर आपका 10-15 दिन हुआ है तो, लेकिन अगर आपका अभी कुछ दिन हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है? DNO के बाद 1-1.5 महीना लगता है। सर वेज सिमो का पैसा कब आएगा? मेरा 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है अप्रूव, और 10-15 दिन वेट करो भाई। वेज सिमो का ये 4 दिन पहले से पैसा आना शुरू हुआ है, ठीक है? वेज सिमो में भी सबको मिलना शुरू हो गया है तो आपको भी मिल जाएगा, ठीक है? और भी अगर किसी का डाउट आया हुआ है इकलन में तो हम लोग देख लेते हैं। तो ठीक है भाई, आज के वीडियोस में बस इतना ही, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। और जिसका भी जो जो भी डाउट्स होगा आप लोग डायरेक्ट यहाँ भी पूछ सकते हैं, और हमारे इंस्टाग्राम लेजेंड्स ऑफ JBR है, वहाँ भी पूछ सकते हैं, ठीक है? जहाँ भी पूछेंगे हम अगले वीडियो में आपका सारा डाउट्स कवर कर देंगे, ठीक है? ऐसे और वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लेजेंड्स ऑफ JBR। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।